देखो, अगर आपका बजट 6 लाख के आसपास है और आपको एक अच्छी कार लेनी है तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 6 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि 6-7 लाख के अंदर आपको मिल जाएगी, जिनके अंदर आपको अच्छा खासे फीचर्स मिलेंगे, इंटीरियर में माइलेज भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है और इंजन के अंदर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट भी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो सबसे पहली कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है रेनॉल्ट की काइगर। जिन लोगों को पता नहीं है, आपको बताना चाहूंगा, रेनॉल्ट की काइगर एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसके अंदर भी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं इंटीरियर में और इसका एक्सटीरियर लुक काफी हद तक जबरदस्त है। हालांकि इस कार का रोड प्रेजेंस काफी ज्यादा अच्छा है, मतलब छोटी सी कार है लेकिन दिखने में काफी हद तक कमाल की लगती है। इसको सेफ्टी में 4-स्टार रेटिंग्स हासिल हुए है ग्लोबल एनकैप के द्वारा, तो सेफ्टी के हिसाब से आपको इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इंजन स्पेसिफिकेशन के तौर पर रेनॉल्ट कंपनी ने इसके अंदर 1.0 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और रेनॉल्ट की काइगर लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशंस और माइलेज आपके सामने है। कीमत की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कीमत 5.64 लाख रुपए से शुरू होती है बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस। यहाँ पर मैंने ऑन रोड कीमत इसलिए नहीं बताई क्योंकि हर एक सिटी में ऑन रोड कीमत वैरी करती है, डिफरेंट रहती है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक शोरूम प्राइजेस बताऊंगा। जो सेकेंड नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं वो है मारुति सुजुकी की बलेनो। हालांकि बहुत जल्दी इसका फेसलिफ्ट वर्जन इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, अगर आप बलेनो को परचेस करना चाहते हो तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि फेसलिफ्ट मॉडल के लिए आप रुक सकते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स करे गए हैं इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में भी। अगर मैं करंट मॉडल के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर 2 पेट्रोल इंजन ऑप्शंस दिए जाते हैं और करंट बलेनो लगभग 20 KMPL से लेकर 24 KMPL का माइलेज दे देती है। इसकी कीमत 5.95 लाख रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं वो है टाटा की माइक्रो एसयूवी कार पंच। हालांकि रिसेंटली टाटा कंपनी ने इस कार को लॉन्च किया है और इसको अच्छा खासा रिस्पांस भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन ये है कि इसके बेस वेरिएंट के साथ जाए या फिर इसके टॉप वेरिएंट को कंसीडर करे, क्योंकि इसके टॉप मॉडल की कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे थोड़ी सी ज्यादा है। उस प्राइस रेंज में आपको बाकी की कारें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको टाटा पंच ही लेने तो आप इसके बेस वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। इसके अंदर भी आपको अच्छे खासे फीचर्स मिल जाएंगे और रिसेंटली इसका क्रैश टेस्ट भी हुआ, तो यहाँ पर टाटा पंच को 5-स्टार रेटिंग्स हासिल हुए हैं क्रैश सेफ्टी में। तो यहाँ पर सेफ्टी के हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली पंच के अंदर, और अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज वगैरह बाकी की चीजें लगवा सकते हैं और इसके बेस मॉडल को कंसीडर करके। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करो तो टाटा पंच के अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 85 BHP की पावर आउटपुट और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। टाटा पंच को आप ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अंदर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिल जाती है। वही अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो पंच लगभग 19 KMPL का माइलेज दे देती है और इसकी कीमत 5.49 लाख रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं वो है टाटा की प्रीमियम हैचबैक कार अल्ट्रोज। इसको भी इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और इसको सेफ्टी में भी 5-स्टार रेटिंग्स हासिल हुए हैं। तो यहाँ पर टाटा की बहुत सारी ऐसी कार है जिनको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स हासिल हुए हैं और टाटा की कारों की बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया रहती है। तो यहाँ पर अल्ट्रोज के अंदर आपको अच्छी खासी सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे और बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। इसके अंदर आपको अच्छी खासी फीचर्स मिलेंगे इंटीरियर में, एक्सटीरियर लुक काफी हद तक जबरदस्त है, रोड प्रेजेंस काफी हद तक कमाल का है टाटा अल्ट्रोज का। अगर मैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो अल्ट्रोज के अंदर एक पेट्रोल इंजन और एक डीजल इंजन आ जाता है और अगले साल यानी 2022 में टाटा कंपनी इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी, जिसको ऑलरेडी ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। तो यहाँ पर अगले साल इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा टाटा नेक्सॉन एवी की तरह। अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो टाटा अल्ट्रोज लगभग 19 KMPL से लेकर 25 KMPL का माइलेज दे देती है और इसकी कीमत 5.90 लाख रुपीज से स्टार्ट होती है इंडिया में बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख, वो है मारुति सुजुकी की वैगन आर। इसको इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा और इसका एक्सटीरियर लुक भी ठीक ठाक है। वैगन आर के अंदर 2 पेट्रोल इंजन दिए जाते हैं, इसके अलावा CNG किट के साथ भी ये कार अवेलेबल है। अगर आप कंपनी फिटेड CNG किट लगवाते हैं तो उसके अंदर आपको लगभग 32.52 किलोमीटर पर KG का माइलेज मिल जाएगा, यानी 32 से भी ज्यादा आपको माइलेज मिलने वाला है CNG किट के साथ वैगन आर के अंदर, तो ये भी काफी ज्यादा कमाल की बात है। और वैगन आर का पेट्रोल मॉडल लगभग 20 KMPL से लेकर 24 KMPL का माइलेज दे देता है। यहाँ पर माइलेज टोटली आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है।
वही जो 6 नंबर की कार आती है, हालांकि इसको कार आप नहीं कह सकते, वो है मारुति सुजुकी की इको। इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, हालांकि इसको कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी बड़ी फैमिली है। इसके अंदर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं इको के अंदर, और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इसके अंदर अच्छी खासी स्पेसिंग आपको मिल जाएगी इंटीरियर में, हालांकि नॉर्मल से फीचर्स इस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट आप बाकी की चीज़ें लगवा सकते हैं जो आपको चाहिए। वही इंजन के तौर पर इको के अंदर एक पेट्रोल इंजन दिया जाता है, और ये कार CNG किट के साथ भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है। इसका माइलेज है 16 KMPL से लेकर 21 KM/kg का। ये CNG में लगभग 21 KM/kg का माइलेज दे देती है, और इको की कीमत स्टार्ट होती है 4.33 लाख रुपीज से, और ये मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग कार भी है, यानी इसके अच्छे खासे सेल हो जाते हैं इंडिया में। तो यहाँ पर ये 6 कारें थी जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 6 लाख। इसका पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, आई बटन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन 6 कारों में से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।